my world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे। तो वीडियो है एरंगल 2.0 के ऊपर, जो मैंने ऑफिशियली खुद का बेसिकली वीडियो मैंने किसी और से नहीं लिया है। तो आप लोग देखो, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ इस बार। ये ऑफिशियल गेम प्ले है जो पबजी चाइनीज़ वर्जन में आया था गेम फॉर पीस में। तो आज 17 जून है, आज ही अपडेट आया था, काफ़ी बड़ा अपडेट था। मैंने 16 जून को गेम अपडेट किया था जो लगभग 2 या 3 GB के आसपास गेम था, मैंने पूरा अपडेट किया था। तो वो भी 3 अपडेट आया था। एक अपडेट आया था 1.8 GB के आसपास, MB के आसपास, सॉरी 1.8 MB के आसपास, 1800 MB के आसपास आया था। और एक आया था 869 MB के आसपास। 3 बार मेरा गेम अपडेट हुआ। तीसरा बार जो हुआ था वो है 200 MB के आसपास हुआ था। तो लास्ट तीसरा था वो है 10 MB के आसपास। आप लोग देखो, मैं मिलिट्री बेस में पहले हॉट ड्रॉप कर रहा था, जो जो मेन जगह है वहाँ पे हॉट ड्रॉप कर रहा था। तो पहले मैं मिलिट्री बेस पे गया क्योंकि वो जोन वही था। तो आप लोग देखो मिलिट्री बेस कैसा है। तो गेम खेलने के बाद मुझे एक बात पता चले, इन लोगों ने उतना ज़्यादा लोड नहीं दिया बेसिकली गेम पे, मगर इन लोगों ने कुछ जगह जहाँ पुलिस स्टेशन है, आप लोग बाद में देख सकते हैं वीडियो के अंदर, उन लोगों ने वहाँ पे बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया है। और मिलिट्री बेस है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया है। और इन लोगों ने जो घर का जो टेक्स्चर है, उन लोगों ने कोशिश किया उसको, मतलब हम लोग पबजी पीसी की तरह करें। अगर आप लोगों ने कभी भी पबजी पीसी का गेम प्ले देखा है, तो अभी जो उसका जो नॉर्मल ग्राफिक चलता है वो उन लोगों ने यहाँ मोबाइल पर डाला है, यकीन करो। तो मैंने अभी HD में किया था, तो ग्राफिक ज़्यादा अच्छा लग रहा, तो मैंने सोचा HD में क्यों ना गेम प्ले बनाएं। तो उन लोगों ने वही किया, पबजी PC का जो उन लोगों ने जो ग्राफिक है नॉर्मल ग्राफिक, उन लोगों ने पबजी मोबाइल में डाल दिया। और पबजी PC का जो ग्राफिक है उन लोगों ने और इम्प्रूवमेंट किया। तो यहाँ पर वोट आया था, ज़्यादा डिफरेंस मिलिट्री बेस में मुझे नहीं दिखा। मिलिट्री बेस में तो उन लोगों ने घर जो लोकेशंस था वो नॉर्मल था, उन लोगों ने उस पर चेंजेस नहीं किए, मगर उन लोगों ने घर का जो डिज़ाइन है वो बदल किया है। हाँ, और पुचिंकी में भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं था। आप लोग, मैं पुचिंकी में भी चलता हूँ, आप लोग को वहाँ पर भी दिखाता हूँ। फिर हम लोग यासियाना चलेंगे, फिर हम लोग चलेंगे और मेल्टा चलेंगे, आप लोग देखो कहाँ कहाँ क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो जैसा आप लोगों ने देखा, तो मिलिट्री बेस में उतना ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं था वैसे। और अभी हम लोग चलते हैं पुचिंकी में आप लोगों को दिखाता हूँ वहाँ पर क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। पुचिंकी में उन लोगों का घर का, हाँ, सब हाउसेस का डिज़ाइन इन लोगों ने पूरा तरीका से चेंज किया। लगता वैसे ही है मगर अंदर से चेंज है, बाहर चेंज है, डिज़ाइन चेंज है, आप लोग देखो। तो आप लोग एक बार पुचिंकी में मैं जाता हूँ, फिर आप लोग को पता चलेगा मैं किस चीज़ का बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा, मैं स्किप नहीं करूँगा। मैं आप चाहता हूँ कि आप लोग जितना ज़्यादा देख सकते हैं उतना ज़्यादा देखो कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट उन लोगों ने किया है। ब्रिज में भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। और अभी हम लोग चलते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके, ठीक है।
तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप लोग जैसा दरवाजे का डिज़ाइन देख सकते हो, डोर का, उन लोगों ने उस पर थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है, चेंज किया है, और घरों के अंदर बॉक्सेस रखे। पहले पहले बॉक्सेस नहीं होता था, होते थे मगर उतना ज़्यादा नहीं, अभी बॉक्सेस होते हैं। और उन लोगों ने जो ग्रास है उन पे ज़्यादा फोकस किया, ग्रास पे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया। पता नहीं इस बार वो लोग चाहते हैं शायद और सांप सो जाएं हम लोग को मारने के लिए, तो ग्रासेस पे भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और कलरिंग तो हाई है इस बार, कलर जो टेक्सचर है कलर का उस बार हाई, इस बार हाई किए इन लोगों ने, काफ़ी ज़्यादा हाई किए, और आप जैसे देख सकते हैं। और पुचिंकी में जो लोकेशंस था पहले, जो घर होते थे ना, वो सेम है, उनमें से कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम है। और बस जिधर जिधर लोकेशंस है ना घर का, उन लोगों ने उस पर इम्प्रूवमेंट किए, जैसे आप लोग देख सकते हो लोकेशंस वही है, लोकेशंस में कुछ चेंजेस नहीं है। और अब हम लोग आ गए हैं स्कूल, स्कूल भी मैंने सोचा था चलो स्कूल को भी दिखाते हैं। तो स्कूल में यहाँ पे मिडिल पे पहले ये जो स्टैचू होता करता था एक आदमी का स्टैचू, पता नहीं उन लोगों ने इस बार तो नहीं डाला है, जो ऑफिशियल जो रेंगल या अभी लीक जो है, जो ऑफिशियल गेम प्ले उसमें। हाँ स्कूल का देखो आप लोग जैसे देख सकते हो ना, चेंजेस किए हैं इन लोगों ने, और चेयर रखा है हर जगह में, बेंचेस रखे है जैसे नॉर्मल स्कूल पे होता रहता है, देखो एक टेबल रखा है। और कलरिंग इन लोगों ने हाई किया है इस बार, जैसा मैंने पहले भी बोला था। और छत इन लोगों ने, छत अभी मैं रूफ में जाता हूँ आप लोग को छत दिखाता हूँ, छत में क्या क्या है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, नॉर्मल है स्कूल, स्कूल भी नॉर्मल है, बस बिल्डिंग का डिज़ाइन से इन लोगों ने चेंज किया है। हर जगह जो बिल्डिंग हो ना, यहाँ पे बोट आया था तो मैंने बोट को भी मारा। और आप लोग स्कूल देखो कैसे लगता है, अगर स्कूल में आप लोग को लगता है कि नहीं होना चाहिए तो कमेंट में बताओ। मुझे स्कूल ज़्यादा ख़ास नहीं लगा वैसे, बस आप लोग बस पुलिस स्टेशन देखो उधर क्या क्या डिफरेंस है उसमें, उसमें सबसे ज़्यादा उन लोगों ने डिफरेंस वहाँ पर किया है। तो पुलिस स्टेशन में जाने से पहले तो यासियाना मैंने बोला चलो वहाँ चेक करते हैं, क्योंकि रैंक पुश वालों का हॉट ड्रॉप यही होता है अक्सर,
मैं तो यहीं पर आता हूँ। और आप लोग देखो यासीन में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं, बस घरों का कलर चेंजेस है। हाँ, कलर में इम्प्रूवमेंट है और घर का टेक्सचर में इम्प्रूवमेंट है। और इन लोगों ने ज़्यादा कुछ खास लोकेशन चेंजेस नहीं किए। इन लोगों ने ऐसा नहीं कि एक बिल्डिंग को लेकर दूसरा जगह रखा है, दूसरा बिल्डिंग को तीसरा जगह में रखे, नहीं उतना डिफरेंस नहीं है। बस सब वही अपना जगह में, और इन लोगों ने बस वही पे कलरिंग चेंजेस किए और बिल्डिंग का डिज़ाइन चेंजेस किए। और यहाँ पर भी स्टेशन लिखा है, अभी पहले स्टेशन लिखा नहीं होता था। और जैसे आप लोग देख सकते हैं, और ट्री जैसा आप लोग देख सकते हो, क्या इम्प्रूवमेंट किया इस बार इन लोगों ने ट्रीज पे। अभी ये चलो चलते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ हम लोग किस किस जगह में क्या क्या चेंजेस हुआ है। अभी हम लोग पहुंच गए अपना पुलिस स्टेशन नेक्स्ट लोकेशन। और यहाँ आने का बाद मुझे पता है आप लोग का दिल में एक बात चल रहा होगा, भाई साहब ये क्या देखा हम लोगों ने। मेरा भी दिल में यही चल रहा था, भाई इधर तो बहुत इम्प्रूवमेंट किया, मतलब हद से ज़्यादा इन लोगों ने इम्प्रूवमेंट यहीं पर किया। पता नहीं इन लोगों को लगता है यही हॉट ड्रॉप है। तो देखो आप लोग, जैसे आप लोग देख सकते हो इन लोगों ने बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया है, हद से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट यहीं पर किया। बॉक्सेस रखे हैं के अंदर और नंबर्स लगाया अभी 10-10, पता नहीं क्या है नंबर क्यों लगाए इन लोगों ने इस बार। और जैसे आप लोग देख सकते हो, आप लोग देखो पुलिस स्टेशन में क्या ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। हम लोग नेक्स्ट जो लोकेशन है, जैसे नोवो मिल जॉर्जो पुल और बाकी जो लोकेशन, अगर आप लोग को कोई, आप लोग चाहते हैं कोई लोकेशन को मैं बताऊँ, आप लोग को दिखाऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बता देना कि अली नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाओगे तो हम लोग को यहाँ पर ये लोकेशन दिखाओ, क्योंकि अभी तक मेरे पास गेम पर पीस रखा है, मैंने अभी तक डिलीट नहीं किया है। तो जब भी आप लोग कोई भी लोकेशन आप लोग को देखना हो तो ज़रूर बताना, मैं और एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा आप लोग के लिए, क्योंकि एंगल बहुत बड़ा है। और मुझसे जितना भी हो सका मैंने आप लोग को जितना भी लोकेशन दिखा सका तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। और चलो अभी आप लोग देखो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुआ है, और मिलते हैं बाद में हम लोग नेक्स्ट लोकेशन पर। तो गाइस बस वीडियो आज के लिए यही तक था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आप नए हो, और लाइक करो इस वीडियो को, तो सपोर्ट करो और शेयर करो दोस्तों के साथ, उन लोगों को भी पता चले ना कि एरेंगल 2.0 आखिर दिखता कैसा है। तो मैं एक बात बता दूँ, इस अपडेट का बाद 3GB रैम वाला जो फ़ोन है ना उनमें गेम स्टार्ट हो तो वो भी बहुत बड़ा बात है। इस बार तो मतलब इन लोगों ने, मैं क्या बोलूँ, हद से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है गेम को। और आप लोग जैसा देख सकते हो, मैंने तो आप लोग को वीडियो में दिखाया है, मुझे पहले से पता था कि लो एंड डिवाइसेस पे नहीं चलेगा इसका बाद। और बस हम लोग गाइस मिलते हैं अगला वीडियो में। अगर आप लोग चाहते हो मैं और कोई लोकेशन बताऊं दिखाऊं आप लोग को, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।